हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल फिजिक्स इन टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आज हम इस वीडियो के अंदर रिफ्रैक्शन और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे देन वी विल स्टडी अबाउट लॉज ऑफ़ रिफ्रैक्शन फिर हम कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन को समझेंगे आफ्टर दैट सम सम्लिकेशन वी विल डिस्कस विच आर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन एंड इन द एंड वी विल डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू नॉर्मल शिफ्ट अब हम डिफाइन करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सो वट इज मेंट बाय द टर्म रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट When it passes from one transparent medium to another transparent medium. is कॉल्ड रिफ्रैक्शन अगर मैं सिंपल वे में बताऊँ आपको तो मैं सिंपली बोलूँगा कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच वेन फॉलिंग ऑन द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है दैट चेंज ऑफ पाथ इज इंडिकेटेड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब वो अपने पाथ को चेंज कैसे करेगी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉज उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूँ अगर हमारी रे ऑफ लाइट गॉज फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूअर्ड्स नॉर्मल अब नॉर्मल क्या होती है नॉर्मल होती है कोई भी एक रे जो सरफेस के परपेंडिकुलर है यहाँ पर डॉटेड लाइन नॉर्मल है ठीक है डॉटेड लाइन इज एक्टिंग एज नॉर्मल और ये जो रे हमारे पास आ रही है दिस इज इंसिडेंट रे सी व्हेन इट इज़ इंसिडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सो बच्चे हमने ये रेरर मीडियम इंडिकेट किया लेट इट बी एयर और सपोज ये हमारे पास ग्लास है कोई डेंसर मीडियम तो बच्चे यू कैन सी दिस रिफ्रैक्टेड रे हैज़ बेंट टूवर्ड्स नॉर्मल उसका एक्चुअल पाथ ये आना चाहिए था बट क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई in the similar way if ray of light is coming from denser to rarer medium then what will happen then it will bend away from normal मतलब अब मैं दूसरे की डायग्राम आपको इसी में समझा देता हूँ नो इफ़ माई दिस रिफ्रैक्टेड रे अब ये जहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टेड रे बनाई है अगर यहाँ पे मेरी इंसिडेंट रे हो तो ये बच्चे क्या होगा इसका एक्चुअल पाथ ये था बट अब लाइट कहाँ जा रही है डेंसर से रेरर में जा रही है तो ये नॉर्मल के अवे बैंड कर जाती है ठीक है अगर मैं आपको यहाँ पे न्यू डायग्राम बना के समझाऊँ तो कुछ ऐसे रहेगा ये नीचे का मीडियम हमारे पास डेंसर है तो ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था रे ऑफ लाइट का बट अब रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे निकलेगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल ओके सो दिस इज माई नॉर्मल दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज रिफ्रैक्टेड रे और ये मेरा डेंसर मीडियम है ये मेरा रेयरर मीडियम है कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको ठीक है अब ये रिफ्रैक्शन होती क्यों है वॉट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स किसी मीडियम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम है जैसे वैक्यूम या फिर एयर तो अगर उसको हमने ग्लास में से पास कर दिया या वाटर में से पास कर दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाती है तो अपनी स्पीड और डिस्टेंस को कम्पनसेट करने के चक्कर में लाइट जो है अपने पाथ को डेविएट कर देती है अब उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ग्लास लैब है यहाँ पर अगर एक लाइट रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये मेरे पास एक नॉर्मल है नाउ हेयर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल एंड हेयर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल अगेन मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल ठीक है नाउ इट इज़ योर डेंसर मीडियम दिस इज़ रेयर दिस इज़ रेयर अब क्या है देखो मुझे पता है वेलोसिटी किसके होती है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम के अब लाइट किसी भी पाथ से जाए टाइम अपनी स्पीड से ही चलेगा ठीक है टाइम अपनी स्पीड से ही चलेगा अब जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी उस मीडियम के अंदर लाइट जो है लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी दोबारा बता रहा हूँ जिस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसमें लाइट रे लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ठीक है और जिस जिस मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी उस मीडियम के अंदर लाइट रे जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ओके वही चीज़ यहाँ ग्लास स्लैब में हुई यहाँ पे ग्लास स्लैब में सपोज एक लाइट आ रही है इंसिडेंट हो रही है देयर इज वन नॉर्मल तो अब लाइट की जो स्पीड है वो कम हो गई तो लाइट अपना डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस करने के लिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई क्योंकि इनिशियल पाथ ये आना था जिसमें वो स्लैब से बाहर आती तो बेटा दिस वॉज द लॉन्गेस्ट पाथ तो वो अपने पाथ को शॉर्ट करने के लिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई सो नाओ जब यही रे फिर से मेरे पास रेरर में आ गई अब उसकी विलॉसिटी क्या है बच्चे अब उसकी विलॉसिटी बढ़ गई है तो एक्चुअल में उसका जो पाथ है वो ये आना चाहिए था बट क्योंकि विलॉसिटी चेंज हो गई है विलॉसिटी बढ़ गई है तो अब डिस्टेंस भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गर होने वाला है इसलिए जो रे ऑफ लाइट है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड कर जाती है आई होप दिस कॉज ऑफ़ रिफ्रैक्शन इज़ क्लियर टू यू अभी जैसे हमने देखा था कि जो हमारी रे है अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुअर्ड्स नॉर्मल बैंड कर रही है अगर वो डेंसर से रेरर में जा रही है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड कर रही है बट अगर वो बिल्कुल नॉर्मल एग्जैक्टली एट 90 डिग्री टू द सरफेस फॉल करेगी सो व्हाट विल हैपन सो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये आप देख सकते हैं इन दिस डायग्राम दिस रे इज इंसिडेंटिंग नॉर्मली नॉर्मली मीन्स इट इज़ एग्जैक्टली इंसिडेंटिंग ऑन द नॉर्मल टू द सर्फेस मीन्स मेकिंग एंगल नाइन्टी डिग्री विद द सरफेस सो इट विल गो विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन नाउ वी आर प्रोसीडिंग अड टू स्टडी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जूनियर क्लासेस के अंदर हम रिफ्लैक्शन को बड़े अच्छे से समझते हैं और रिफ्रैक्शन के लॉज को हम ध्यान से नहीं देख पाते क्यों क्योंकि यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ आता है वो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे हमें साइन की समझ नहीं होती तो अब जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन okay and second thing uh, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant that is refractive index of the medium and this second law is called snell's law so here sine of angle of incidence means we are dealing with the value of sine of angle means sine 30 sine 60 this you are familiar now after studying the trigonometry as you have studied trigonometry so you will be knowing about sine 30 sine 60 sine 90 like this

सपोज ये हमारे पास एक पानी का टब है तो जो टॉर्च है बेटा दैट शुड बी लाइंग इन द टब तो टॉर्च से जो लाइट है वो बाहर आ रही है इधर रेयर मीडियम में सो लाइक दिस एंड माई सेकेंड कंडीशन इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल अब ये सब चीज़ें होती कैसे हैं वो देखते हैं अब देखो सपोज़ यहाँ पर मेरे पास एक डेंसर मीडियम में एक सोर्स ऑफ लाइट पड़ा वहाँ से मल्टीपल इंसिडेंट रेज निकलेंगी तो हर एक पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली एंगल ऑफ़ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा और एक पॉइंट एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ऐसा आएगा कि आपका जो एंगल ऑफ़ रिफ्रैक्शन है वो नाइन्टी डिग्री हो जाएगा सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल अब जब हम अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे विच इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल Us time pe mere refracted beam hai, instead of going out of the interface it reflects back to the interface. So this phenomena is called phenomena of total internal reflection. So this has been clearly indicated in these diagrams below. Okay, so if you are having any confusion in this you can raise that query in comment section. Now next we are dealing with applications of total internal reflection. Now first application for the total internal reflection is द स्पार्कलिंग ऑफ़ डायमंड डायमंड इज़ हैविंग वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो वैन लाइट रे एंटर्स फ्राम अ डायमंड अब क्या होगा इसकी रिफ्रैक्शन होगी इट विल बैंड टू वर्ड्स नॉर्मल तो जैसे ही ये दूसरे एंगल दूसरे सर्फेस पर फॉल करेगा तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड भी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा फिर दूसरे इंटरफेस पर फिर से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया ये फिर से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो ऐसे ये मल्टीपल टाइम्स डायमंड के अंदर ही लाइट रिफ्लेक्ट करके किसी एक इंटरफेस से बाहर आती है एंड इट गिव्स अ स्पार्कलिंग इफेक्ट टू अस ओके सो नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल यू मस्ट हैव सीन एट योर होम्स दैट जब हम बेटा मॉडर्न कनेक्ट कराते हैं तो देयर आर टू कनेक्टिविटीज़ वन इज़ कॉपर कनेक्टिविटी एंड वन इज ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सो दिस ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी इज़ वेरी फास्ट इन विच सिग्नल्स ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट अब क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में एक डेंसर मीडियम से रे को इंसिडेंट कर दिया जाता है सो दिस इज़ माई डेंसर मीडियम अब ये बना इस तरह से होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे मीडियम रेयर होता जाएगा और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे मीडियम फिर से रेयर रेर होता जाएगा व्हेन इट इज़ इंसिडेंटेड इन सच अ सिचुएशन दैट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल तो ये बच्चे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है फिर यहाँ पे जो दूसरे इंटरफेस पे इसकी रिफ्लेक्शन का पॉइंट होगा मतलब इंसिडेंस का पॉइंट होगा वहाँ पे देखो फिर से एंगल ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे अब यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होंगे वाई बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड अगेन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम सो लाइक दिस द रिफ्लेक्शन इनसाइड ऑप्टिकल फाइबर गोज ऑन एंड द सिग्नल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड रीचेज द सेकेंड एंड एनी कन्फ्यूज इन दिस क्लियर ओके सो नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट अ सेफ्टी रिफ्लेक्टर अब सेफ्टी रिफ्लेक्टर क्या होता है जो तुम्हारी बाईसिकल के पीछे वो रेड कलर की प्लेट्स ही लगी होती है दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी रिफ्लेक्टर या फिर स्कूटर बाइक के पीछे लगी होती है ना वो रेड कलर की रिफ्लेक्टिंग प्लेट अब वो वर्क कैसे करती है अब जैसे ही लाइट उस प्लेट में एंटर होती है इफ़ एंगल इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल तो बेटा वो मल्टीपल रिफ्लैक्शन कवर करेगी अंदर और फिर बाहर रिफ्रैक्ट होती है तो इससे वो तुम्हें स्पार्कलिंग इफेक्ट देता है तुम्हें पता चलता है कि अंधेरे में भी तुम्हारे आगे कोई ऑब्जेक्ट है अब अंधेरे में कैसे पता चलता है अब देखो जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसकी हेडलाइट से जो लाइट कैप्चर होएगी दैट फॉल्स ऑन दैट रिफ्लेक्टिंग प्लेट अब उसके अंदर जैसे ही मल्टीपल रिफ्लैक्शन होंगी और वो लाइट बाहर आएगी दिस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लैक्शन्स दैट प्लेट इज गिविंग यू स्पार्कलिंग इफेक्ट उसके बाद हम सब ने मिराजि देखे हैं अब क्या है हमारे पास रोड जो है दैट इज एक्सट्रीमली हॉट तो एक्सट्रीम हॉट होने की वजह से हमें रोड के ऊपर पानी पानी सा नजर आता है एंड दैट वो एक्चुअल में पानी नहीं होता जब हम पास में पहुंचते हैं उस लोकेशन के जहां हमें पानी अपीयर हो रहा होता है तो वहां पे वो कुछ भी नहीं होता सो दैट इज़ एक्चुअली अ मिराज मिराज मीन्स छलावा जिसको बोलते हैं हिंदी में वो आपको सिर्फ दिखता ही है एक्चुअल में नहीं होता ठीक है तो ये जनरली डेजर्ट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहां पे एक सीधा पेड़ आपको उल्टा भी दिख सकता है जहां पे स्नोफॉल होती है बेटा हिल स्टेशंस में जहां पे स्नो स्कूटर्स चलते हैं तो बच्चे वहाँ पे आपको अगर एक नॉर्मल स्नो स्कूटर एक लेवल पे चल रहा है तो हो सकता है वो आपको रेज्ड अपीयर हो एक सिचुएशन से रेज्ड भी अपीयर हो सकता है वो दिस इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यू कैन से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो प्रिजम्स हैं वो अलग अलग तरह के हमारे पास प्रिज़म होते हैं जिनका एंगल ऑफ प्रिजम इज डिफरेंट किसी का नाइन्टी होगा किसी का फोर्टी फाइव होगा लाइक दिस ओके सो इसमें क्या है जैसे ही uh, जैसे ही इंसिडेंट रे एक इंटरफेस पे फॉल कर रही है अब देखो क्योंकि ये एक इंसिडेंट रे नॉर्मल थी सरफेस के तो विदाउट एनी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द इंटरफेस और अगले वाले इंटरफेस पे जैसे ये इंसिडेंट होती है तो इसका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो ये रे यहाँ से बाहर नहीं जाएगी अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी फिर आगे देखो इस सरफेस पे फिर से ये एंगल जो है नॉर्मल हो गया बेटा तो फिर से विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द इंटरफेस ओके सो ऐसे ही हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रिजम्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रेज इंसिडेंट है और दे आर कॉजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन सम इंटरफेस यू कैन क्लियरली सी सो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका किसी भी इंटरफेस पे अगर वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है ओनली देन योर लाइट विल अंडर गो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अदरवाइज इट विल रिफ्रैक्ट अब इसके बाद हम आपको भी बताते हैं हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड टू क्रिटिकल एंगल वी वेरी वेल नो मूज इक्व टू साइन आई बाई साइन आर अब हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है सो आई विल भी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल वेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नाइंटी डिग्री सो वी कैन राइट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है And sine 90 is one, so refractive index will be equal to. This refractive index is from when ray of light is coming from denser to rarer medium. Okay. Our denser medium was water and rarer medium air. So it was sine i c. Okay. Now if we need to evaluate refractive index of water with respect to air, so we can write it as वन बाय साइन आई सी सो दिस इज हाउ माई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेडी टू क्रिटिकल एंगल सो मीन्स अगर आपको ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है तो दिस इज हाउ यू कैन इवेल्यूएट क्रिटिकल एंगल और आप चेक कर सकते हो कि कैसे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल के या नहीं है नो नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम नो सी रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर लेट दिस बी मीडियम वन लेट दिस बी मीडियम टू एंड लेट दिस बी मीडियम थ्री अब हम सपोज फर्स्ट मीडियम हमारे पास एयर है सेकेंड मीडियम कोई वाटर हो सकता है थर्ड ग्लास हो सकता है एयर से थोड़ा डेंस है वाटर वाटर से डेंस है ग्लास सो लाइक दिस वी हैव अरेंज थ्री मीडियम्स फॉर मीडियम वन एंड टू दिस एंगल इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस सो लेट दिस एंगल बी माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सो नाउ दिस टू विल बी अल्टरनेट एंगल्स ऑटोमेटिकली दे विल बी इक्वल आर

One to two, so we can write it as sine i by sine r. This is my first equation for medium two and three. So refractive index will be two to three equal to sine of r to the sine of r one, angle of incidence to the angle of refraction. Okay. So for interface third and one so we can write it as sin r1 upon sin i so now what we are doing we are going to multiply uh, multiply all these three so multiply equation 1 and 2 and 3 all together so what we will get so after multiplying you will get 1 to 2 2 to 3 3 to 1 this will be equal to, this will be equal to 1 sin i will be cancelling with this sin i, sin r1 इससे कैंसिल हो जाएगा and sin r will cancel with this sin r. तो इसके बाद हमारे पास अब क्या बचेगा? Now we will be uh, left with mu 1 to 2, mu 2 to 3 will be equal to mu 1 to 3. Why so? Because जब हम इस uh, 3 to 1 refractive index को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे So it will be like this mu 1 to 2, mu 2 to 3 equal to 1 by refractive index of 3 to 1. So 1 by 3 to 1 will be clearly indicated as 1 to 3. So that's how all these 3 refractive index related to each other when refraction is going through multiple mediums. Okay. So next now we are going to deal with the topic normal shift. कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि अगर हम एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर एक क्वाइन रख दें और फिर जब हम उस कंटेनर में पानी डालते हैं और उसका साइड व्यू लेते हैं तो दैट कॉइन अपीयर्स टू अस एज अ रेज सो सेम थिंग अपीयर्स इन स्विमिंग पूल विदाउट वाटर जो स्विमिंग पूल की डेप्थ होती है दैट इज़ समथिंग एल्स और जब पानी डालते हैं और हम ऊपर से देखते हैं नीचे तो उसकी जो डेप्थ है बेटा वो कम नज़र आती है वो जो डेप्थ है एक पूल की या फिर एक क्वाइन की वो कितनी रेज्ड अपीयर होती है दैट रेजिंग इज कॉल्ड शिफ्ट सो दिस थिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लोकेशन द एपरेंट लोकेशन जहां पे वो अपीयर हो रहा है एंड द एक्चुअल पोजिशन तो इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड ए शिफ्ट और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट बिकॉज इट इज जस्ट शिफ्टिंग परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट और यू कैन से दैट परपेंडिकुलर टू द सरफेस सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट तो अब हम इवेलुएट करते हैं नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू इसमें सबसे पहले हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्वाइन है जो पॉइंट ओ पे पड़ा है यहां से रेस निकल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो रे बिल्कुल डायरेक्ट नॉर्मल जाएगी तो उसमें तो रिफ्रैक्शन होनी नहीं है तो इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होएगी इट विल गो स्ट्रेट सो जिसमें रिफ्रैक्शन हुई तो अब यहाँ पे जाके देखो बैंडिंग हो जानी है रे की यहाँ से रे गई यहाँ से इसके बाद जाके इधर को बैंड कर रही है तो जब हम इस रे को एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे सो इट मीट्स दिस रे एट दिस लोकेशन एंड फॉर्म्स द इमेज आई दिस आई इज़ द इमेज ऑफ द क्वाइन फॉर्म सो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं पॉइंट ए दिस इज माई पॉइंट बी दिस इज़ माई पॉइंट ओ

ये जो रिफ्रैक्टेड बीम आई में एंटर कर रही है उसका एक्सटेंडेड पाथ है ये वाला यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा आर ओके सो so अगर क्लियरली सेपरेट से इसको बना के दिखाऊँ तो कुछ ऐसी सिचुएशन है तो ये हमारे पास है आर एंगल क्योंकि ये वाला एंगल आर है और ये हमारे पास है आई तो इसका मतलब ये भी हमारे पास है आई ओके okay, ऐसी कुछ सिचुएशन है यहाँ पे चलिए अब न, आ, अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नो रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम सो डेंसर में हमारे पास वाटर है और रेरर में हमारे पास एयर है सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन माई रे इज़ गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर सो इट कैन बी रिटर्न बाय साइन आई बाई साइन आर तो हमें यहाँ पे साइन आई की वैल्यू चाहिए वी विल एज्यूम ट्राइंगल्स इन ट्राएंगल ए बी So sine i will be sine i is perpendicular upon hypotenuse, so perpendicular is a b and what about hypotenuse? I hypotenuse is OB. Now in triangle a i b so sine r similarly can be written as perpendicular upon hypotenuse that is a b upon bi. Now my equation one can be written as a b a b cancels out so it will be bi by ob as we know the size of pupil is small ray of light oa will enter i a if a and b are close to each other then what will happen thus ao will be approximately equal to bo and ai will be approximately equal to bi uh, so my equation 2 can be modified as ai by oa okay also we know that mu wa can be written as 1 by mu air to water so by this equation my last equation can be written as 1 by a mu W is equals to AI by OA or you can say that refractive index of water with respect to air OA by AI now what is OA OA can be written as real depth so let it be small d and AI ai is apparent depth let it be h so my formula is real depth by apparent depth is equals to refractive index of medium this is how these three things are interrelated now we to shift hai. shift means so we can write shift is equals to oa minus ai so oa can be written as small d and ai can be written as h t minus h will be equal to your shift. Now, what we can do from here, we can write this h as d by refractive index. From this equation, we can write this h as like this. So, taking d common, so what we will get? We will get 1 by. Refractive index of water with respect to air. So, this is my formula of shift in terms of refractive index and actual depth. Okay, so that's all about normal shift. So, that's all for today. So, see you again, students, in the next video. God bless you all.